बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम आपके मध्य रहेगा और मेरा भी अपना स्वभाव है कि मैं आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं करता। ठीक जो समय है निर्धारित उसी पर अपनी वाणी को विरमित करूंगा। सबसे पहले हम आप सभी मिलकर के गायत्री मंत्र से अपनी वाणी को पवित्र करेंगे, पश्चात चर्चा और तन और मन, तीन प्रकार का सहयोग होता है ना, तन मन और धन। जितना भी धन का सहयोग आप कर रहे हैं सभी धन्यवाद के पात्र हैं और तन मन का सहयोग विशेष करके उपदेष्टा को चाहिए। आप केवल शरीर से ही बैठे दिखाई ना दें, मन भी आपका इधर हो। आइए मन को एकाग्र कीजिए और गायत्री मंत्र से अपनी वाणी को पवित्र कीजिए, पश्चात चर्चा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्न कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्य। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति, स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रवचन वेदी पर विराजमान जिनके संगीत स्वरलहरी का आपने आनंद लिया, स्वरचित गीतों का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष किया, ऐसे स्वनाम धन्य मेरठ की धरती से पधारे हुए लघु भ्राता कृष्ण दत्त जी शर्मा कहूँ या नादान, और उनसे पूर्व आपके ही समाज का एक पुष्प जो महेंद्र जी ने तैयार किया है, प्रिय अभिषेक। और अभिषेक किसका होता है? राजा का होता है। और कब होता है? जब आदित्य का उदय होता है। और डॉक्टर अनीता जी ने अपने गीतों की प्रस्तुति दी और महेंद्र जी ने भी अपना गीत प्रस्तुत किया। मैं इन्हें आशीर्वचन भी देता हूँ और इनको उत्साहित भी करता हूँ। और मेरे भ्राता आदरणीय देवदत्त शर्मा जी, मेरे नाम के पीछे देव है, उनके नाम के आगे देव है। ये बहुत ही कुशल रीति से संचालन कर रहे हैं। आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी एवं समस्त पदाधिकारीगण,
समागत भद्र पुरुषों, श्रद्धा की भाजन वंदनीय मातृशक्ति और आदरणीय जिन्होंने अभी अपने गुरुकुल का और अपने नहीं आपके गुरुकुल का परिचय दिया, जो ब्रह्मचारिणियों को तैयार कर रहे हैं। ब्रह्मचारिणियों को तैयार करने में बड़ी तपस्या लगती है और वर्तमान में गुरुकुलीय परंपरा का निर्वहन करना बड़ा कठिन कार्य है। हमारे ब्रज में कह दिया करते हैं, लोहे के चने चबाने के समान है। साथ ही समागत भद्र पुरुषों, श्रद्धा की भाजन वंदनीय मातृशक्ति, बहुत सुंदर चर्चा प्रभु के नामस्मरण की भाई कृष्णदत्त जी ने की थी गीतों के माध्यम से। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारे शर्मा जी कहा करते हैं और भी लोग कहा करते हैं कि महेंद्र जी का जो आशीर्वाद है वो तो मिला हुआ है, लेकिन उनको अभिषेक जी से संतुष्टि अच्छा होनी नहीं है, होनी चाहिए कि नहीं? नहीं होनी चाहिए, एक पिता का दायित्व है। यक्ष ने जब ये प्रश्न किया कि संसार में आकाश से भी बड़ा कौन है, तो उत्तर क्या मिला? पिता। और पृथ्वी से भी भारी कौन है? माता। और आपने नट का तमाशा देखा होगा, उनका एक बालक रस्सी पर कलाएं करता है, आसन दिखाता है, लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन नट जो उसको नचा रहा है या नाटकीय ढंग से उसको प्रस्तुत कर रहा है, वो क्या कहता है? अभी नहीं मानेंगे, अभी नहीं, क्योंकि आकाश से भी बड़ा है। संसार का प्रत्येक पिता दुनिया को जीतना चाहता है, लेकिन अपने पुत्र से हमेशा हारना चाहता है, पुत्र से हारना चाहता है। नहीं, आप जितने भी सज्जन यहाँ बैठे हैं, व्यापारियों, शिक्षा जगत से जुड़े हों, किसी भी क्षेत्र में हो, हर पिता की कामना रहती है कि मेरे से ये आगे निकले, बढ़े, क्योंकि आकाश से भी बड़ा कौन है? पिता है। और उससे भी बड़ा जिसको हम शेष कह देते हैं वो परम पिता है। मेरा तो नंबर शेष में ही आता है और शेष ही विशेष है, समझ रहे हैं आप? ये पृथ्वी किस पर टिकी है? कहते हैं शेष नाग पर, इनका बिल्कुल ठीक है, शेष नाग पर ही टिकी है, लेकिन हमारा ध्यान उस शेष नाग की तरफ चला जाता है जिसको हम आंखों से देखते हैं। नाग शब्द स्वयं अपने में व्याख्या कर रहा है, न अ ग, न माने नहीं, ग माने गति, गतिशील नहीं है यानी गतिहीन। और तत्प्रतिषेध, अकार का अर्थ क्या है? नाकार अर्थ है नहीं, गति माने, ग माने गति, गति नहीं करता यानी गतिहीन है। फिर अतत्प्रसिद्ध, उसका भी निषेध करते हुए कहता है नहीं, गति करता तो नहीं है लेकिन संसार को गति देता है। ऐसे शेष ब्रह्मांड का सारे का परिग्रहण करते चले जाइए, भावनाएं बनाते चले जाइए, लेकिन इसके बाद भी शेष है, शेष है, वही विशेष है, समझ रहे हैं ना? इसलिए महर्षि पतंजलि जी महाराज ने योग दर्शन में कहा, क्लेश कर्म विपाका सही परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, हम सब पुरुष हैं, साधारण हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण, महर्षि प्रवरदेव दयानंद आदि ऋषि परंपरा के जितने भी ऋषि हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? असाधारण पुरुष हैं। साधारण, असाधारण, असाधारण को लोगों ने भगवान कह दिया, वास्तव में भगवान थे,
लेकिन भगवान का अभिप्राय समझो, भगवान परमात्मा परमात्मा का गौड़िक नाम है गुण के आधार पर। शारदा जी गुरुकुल में पढ़ाते हैं, प्रातःकाल उठ करके बच्चे मंत्र पाठ करते हैं, बच्चियां पाठ करती हैं, गुरुकुल के ब्रह्मचारी गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियां 5 मंत्रों का पाठ करते हैं, प्रातरेन्द्रम इत्यादि, और एक अंत में मंत्र आता है भगए भगवान अस्तु वयम भगवंतस्या। हे प्रभो आप तो ऐश्वर्य संपन्न है ही, लेकिन जो आपका ऐश्वर्य संसार में छाया हुआ है उस ऐश्वर्य से हमको भी भगवान बना दो। ओम को छोड़कर के जितने भी पंतता परमात्मा के नाम हैं गौणिक गुणों के आधार पर, उन नामों को, वे नाम संसार में लोक में भी हैं, और उसके आधार पर हम भी ऐश्वर्य संपन्न बन जाते हैं तो भगवान कहलाते हैं। राम को दयानंद को अगर भगवान कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन सृष्टि के कर्ता धर्ता और संगर्ता नहीं हो सकते। आपने समझा ना, कर्ता धर्ता संगर्ता, ऐसा भगवान ऐसा ईश्वर वो अपने में विशेष है। इसलिए कहा साधारण असाधारण और विशेष। क्या है? पुरुष विशेष। और पुरुष विशेष कौन है? परमपिता परमात्मा, जिसका मुख्य और निज नाम क्या है? सर्वे वेदा यत्पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। इसलिए जात कर्म संस्कार में पिता सोने की सलाका से बच्चे के रसना पर जिह्वा पर क्या लिखता था? ओम। और कान में क्या कहता था? वेदोसी, तुम वेद हो। क्या बालक समझता है कि मैं वेद हूं? लेकिन पिता का भाव समझो। वेद के 4 अर्थ है। वेद का सबसे पहला अर्थ है ज्ञान, दूसरा अर्थ है सत्तात्मक ज्ञान, तीसरा अर्थ है विचार पूर्वक ज्ञान। वेद का जो ज्ञान है वो सत्तात्मक है, विद सत्तायाम, और ऐसा सत्तात्मक होते हुए क्या है? विद विचारणे, धातु से वेद शब्द बना है जिसका तात्पर्य है विचार पूर्वक। इसलिए दर्शनकार ने सूत्र दिया, क्या दिया? बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, बुद्धि के विरुद्ध कोई भी बात वेद के अंदर नहीं है, क्योंकि वेद प्रभु की वाणी है और प्रभु की जो वाणी है उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसी का नाम तुम्हें बता रहा था वैकुंठ है। लेकिन पिता यहां क्या कहना चाहता है? वेद लाभ है। वेद का अर्थ जो चौथा होता है वो लाभ है, और लाभ का तात्पर्य प्राप्ति उपलब्धि। हे बेटे हे पुत्र, तुम मेरे पुरुषार्थ की उपलब्धि हो। तुम वेदोसी कान में बोला जा रहा है, तुम वेद हो यानी मेरी उपलब्धि हो, मेरा पुरुषार्थ का फल हो। और वास्तव में गृहस्थ का फल क्या है बोलो? प्रजा ही तो है। लेकिन ध्यान रखना, जीवन में एक तो ओम से जुड़े रहना, ओम का ही उच्चारण करना, और यदि बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था पर्यंत तुम ओम से जुड़े रहोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और ओम से नहीं जुड़े तो क्या होगा? अकल्याण। हमारे कृष्णदत्त नारायण यही बता रहे थे, ओम से जुड़ो, क्योंकि ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है। और लोग आजकल के युवा पीढ़ी क्या समझती है? ये तो वृद्ध लोगों का काम है। परंतु ध्यान रखना, जिसने प्रारंभ से ओम का जप नहीं किया वो वृद्धावस्था में भी थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगेगा। और महर्षि प्रवर देव दयानंद की एक शैली थी, वो हंसते मुस्कुराते हुए अपनी बात को रखते थे। एक वृद्ध पिता थे, मरणासन्न अवस्था में थे, पुत्रगण आकर के कहने लगे पिताजी
ओम कहो तो पिताजी क्या कहते हैं? चुप। कहा ओम कहो, पिता ने कहा ही नहीं था, कहने लगे कहा नहीं जाता। अब बच्चे निराश हो गए, पिताजी अंत में भी ओम नहीं बोल रहे, और कहते हैं अंत गति सो मति, अंत भला सो, अरे अंत में ही ओम बोल दे। हमारे मंत्री जी के पास आए, विजय गौतम जी के पास, कहने मंत्री तुम तो आर्य समाज के मंत्री हो, तुम ही कुछ राय दो। मंत्री जी कहने लगे चिंता मत करो, जब तुम उनसे कहते हो कि ओम कहो तो वो कहते क्या है? बोले यही कहते हैं कि मुझसे कहा नहीं जाता। आगे एक प्रश्न कर देना, क्या नहीं कहा जाता, तो अपने आप कह देंगे ओम नहीं कहा जाता, इसी बहाने से ही ओम तो बोल देंगे। बच्चे बड़े हंसते मुस्कुराते हुए गए और कहने लगे बस अब तो युक्ति मिल गई, और मंत्री जी की बताई युक्ति है, पिताजी पर चलाएंगे। पिताजी से कहा पिताजी ओम कहो, पिताजी ने कहा कहा नहीं जाता। बच्चों ने वही प्रश्न कर दिया क्या नहीं कहा जाता, तो पिताजी कहते हैं जो तुम कहलवा रहे हो वही नहीं कहा जाता, जो तुम कहलवा रहे हो। स्थिति यही होती, पिता जिभ्या पर ओम लिखता है। मैं निवेदन कर रहा था वो परमपिता परमात्मा का मुख्य और निज नाम क्या है? ओम है। वेद का मंत्र का अंतिम चरण ले रहा हूं, वेद के मंत्र का अंतिम चरण, 40वें अध्याय का अंतिम मंत्र, हिरण मयेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखम्, योसाव आदित्ये पुरुष सोसाव अहम्, ओम खम ब्रह्मा सह वह असौ यह, मैं अहम माने मैं, वह किनकी दृष्टि से, वह किस पदार्थ को कहते हैं जो हमसे दूर है, वह वह वह, यह यह निकट वाला है ना, दोनों बातें कह दी, वह अज्ञानियों की दृष्टि से, यह ज्ञानियों की दृष्टि से, अहम मैं ओम खम ब्रह्मा, मेरा नाम क्या है? ओम है। आकाशवत व्यापक हूं, मुझे ही ब्रह्म कहते हैं। सृष्टि का रचयिता होने से परमपिता परमात्मा का नाम ही क्या है? ब्रह्म है। सर्वे व्यवृत्ता इति ब्रह्म, सबसे बड़ा होने से उसको ब्रह्म कहते हैं, और उसका निज नाम स्वाभाविक नाम क्या है? ओम। और इस ओम की विधा को प्राचीन काल की हमारी जो माताएं थीं पुराने समय की, बच्चे को बड़े सह स्वभाव से जब बोलना प्रारंभ कर देता था तभी समझा देती थी। तीसरे समोल्लास में महर्षि लिखते हैं, क्योंकि सबसे पहली पाठशाला कौन है? माँ है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषोवेद, जैसे ही बोल बच्चा बोलना आरंभ करे, बालक बोलना प्रारंभ करे, तो माँ उसे क्या बताए? अक्षर जान कराए, ज्ञान कराए कि ज्ञान कराए? है जी, ज्ञान कराए। लेकिन आज के जो शिक्षा पद्धति में चल रहा है, अधिकांश लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी क्या बोलते हैं? ज्ञान। वरुणोच्चारण शिक्षा पढ़ लेना, वरुणोच्चारण शिक्षा के पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कितनी अशुद्धियां चल रही हैं। और एक शब्द सम्यक प्रयुक्त काम दुख भवति, एक शब्द का भी हम सम्यक प्रयोग करते हैं तो हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। इसलिए माता सबसे पहले बच्चे को क्या कराए? वरुणोच्चारण शिक्षा पढ़ाए, उसके द्वारा अक्षर जान कराए। और अक्षर जान के माध्यम से ही माताएं बता दिया करती थीं। आज जो आप पढ़ते हैं ना छोटे बच्चे प्राइमरी पाठशाला में, क्या पढ़ते हैं? अ से अनार, आ से आम, ई से ऊ से क्यों जी? पहले बढ़िया पढ़ाया जाता था, उलूखल कहते थे इसको, उसे उलूखल, अब क्या आ गया? उल्लू।
एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये सारी चीजें केवल खान पान तक सीमित हैं, इससे आगे इसका कोई उद्देश्य, अनार आम इमली ईख, क्यों जी? इसीलिए लोगों ने क्या कहा, लोगों ने कहा रोटी कपड़ा और मकान, आगे का तो आपको पता होगा, मांग रहा है क्या? इसीलिए हमको ये मनुष्य का शरीर मिला है। वेद के अंदर मंत्रों के प्रश्नोत्तर के माध्यम से बड़ा उत्तम उपदेश दिया गया है, कह त्वायुनक्ति कस्त्वायुनक्ति, कह माने कौन, त्वा माने तुझे, युनक्ति इस शरीर से जोड़ता है, है जीवात्मन, इस शरीर में बिठाने वाला, इस शरीर के साथ संयुक्त करने वाला कौन है? तो उत्तर मिला सत्वायुनक्ति, स माने वह परमपिता परमात्मा ही तुझे इस शरीर में बिठालता है। अच्छा बोलो, हमको किसने बिठाला इस शरीर? ये शरीर का प्रदान करने वाला जीवात्मा को, ये मानव का शरीर देने वाला कौन है? प्रभु है। ये अलग विषय है कि हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, हमारे ऐसे कर्म थे इसलिए प्रभु ने हमको ये मनुष्य का शरीर दिया, और मानव का शरीर ही केवल एक साधना की स्थली है, ध्यान रखना। ये साधन क्या है? शरीर। साधक कौन है? आत्मा। साध्य कौन है? परमात्मा। लेकिन याद रखना, साधन भी है, साधक भी है, साध्य भी है, लेकिन साधना नहीं है। क्यों जी? बिना साधना के साधक को साध्य की प्राप्ति होगी? भाई यही स्थिति तो हमारे जीवन में हो रही है। साधक भी है, साधन भी है, लेकिन साध्य भी होते हुए हमारी साधना यदि नहीं है, यही कृष्णदत्त जी कह रहे थे, अगर साधना नहीं है तो हम साध्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। साध्य को पाने के लिए साधना करना अत्यावश्यक है। कस्त्वायुनक्ति सत्त्वायुनक्ति कस्मै त्वायुनक्ति, ए आत्मन तुझे इस शरीर में किस प्रयोजन के लिए, कस्मै माने कस्मै प्रयोजन आया, किस प्रयोजन के लिए तुझे इस शरीर को शरीर में बिठाला है, या शरीर प्रधान मानव का किया है? किसने किया है? परमपिता परमात्मा ने। तो उत्तर मिला तस्मै त्वायुनक्ति, उसी की अनुभूति के लिए, उसी को प्राप्त करने के लिए तुझे यह शरीर मिला है। जरा ध्यान देना, तस्मै त्वायुनक्ति। एक मनीषी ने बहुत सुंदर एक बात कही, ईश्वर सदा, सदा माने हमेशा, सबको, हम तो मानव हैं लेकिन कीट पतंग आदि को भी ईश्वर सदा सबको प्राप्त है। फिर झगड़ा किस बात का है? जब प्राप्त है तो झगड़ा किस बात का है? तो आगे कहते हैं किंतु, और किंतु परंतु लेकिन लग जाए। एक बात बता दूं, यहां गृहस्थ बैठे हुए हैं, एक बेटी की शादी गुरुकुल के पढ़े लिखे बच्चे से हो गई, विवाह। शादी वैसे हमारे यहां नहीं होती, शादी शब्द भी हमारी भाषा का नहीं है, मैरिज और शादी नहीं होती हमारे यहां, क्या होता है? विवाह होता है। विवाह हो के आई, पतिदेव गुरुकुल के पढ़े थे और बेटी आधुनिक शिक्षा में, और दोनों के खान पान में बड़ा अंतर। भोजन बनाया, पतिदेव कहने लगे देवी जी भोजन बड़ा अच्छा लगा, बड़ा उत्तम बनाया है, लेकिन इसमें मिर्च मसाला पड़ गया है, मुझे अभी तक गुरुकुल में रहा था खाने की आदत नहीं है। देवी जी ने सोचा, अरे मुझे तो, मैंने तो संकल्प लिया था, हम दोनों ने संकल्प लिया था एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे। 15 दिन का अवकाश लेकर के अपने मायके चले गए। क्या किया जाकर के? 15 दिन के अंदर नमक मिर्च मसाला खाने का अभ्यास जो पड़ा हुआ था वो छोड़ दिया, सादा बहुत सात्विक भोजन का अभ्यास कर लिया। इधर पति देव ने सोचा, अरे देवी तो मिर्च मसाला भी खाती है,
मुझे भी अभ्यास कर लेना चाहिए। 15 दिन के बाद जब देवी जी आई और आकर के उन्होंने भोजन बनाया तो वही सात्विक बोले, देवी जी बहुत अच्छा भोजन बनाया, पर ये क्या है? गृहस्थ की समरसता है, ध्यान रखना। महर्षि दयानंद कहते हैं, ब्रह्मचर्य कन्या युवानम बिन्दते पति, वेदाध्ययन करके कन्या अपने युवा अपने सदृश युवा वर का वरण करती है। और यही वर एक देवी बड़े गुस्से में थी, देवी ने पतिदेव को कह दिया तुम तो निरे जानवर हो। बोले देवी जी ठीक तो कह रही हो, मैं जानवर ही हूं, अरे तुम मेरी जान के समान हो, मेरे प्राणों के समान हो, मैं तुम्हारा वर हूं तो जानवर ही तो हूं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मैं आपके सामने रख सकता हूं। महात्मा सुकरात की भी इसी प्रकार की है, लेखन कार्य में संलग्न थे, भोजन भी भूल जाते थे। डॉक्टर हरदत्त त्रयोदश तीर्थ आप जानते होंगे, काशी में शास्त्रार्थ होना था, पौराणिक जगत के विद्वानों ने कहा संस्कृत में शास्त्रार्थ होगा, पंडित प्रकाशवी शास्त्री के हाथों में उस समय अपने आर्य समाज की बागडोर थी, उन्होंने कहा हमें स्वीकार है। डॉक्टर हरदत्त त्रयोदश तीर्थ को बिठा दिया गया, अब तो संसार में नहीं है। पौराणिक जगत के मन से आवाज आई संस्कृत में शास्त्रार्थ होगा, डॉक्टर साहब कहते हैं बिल्कुल संस्कृत में होगा, इतना ही नहीं संस्कृत में भी होगा और छंद श्लोकबद्ध होगा, छंदोबद्ध, और आगे की बात बढ़ाते हुए कहते हैं अलंकारबद्ध होगा, संस्कृत में होगा छंदोबद्ध होगा, एक ही छंद होगा और अलंकार भी एक ही होगा। तो पुराने जगत के पंडितों ने कहा क्या डॉक्टर हरदत्त त्रयोदश तीर्थ बोल रहे हैं? बोले हां मैं बोल रहा हूं। तो पुराने जगत के पंडितों ने हाथ जोड़ लिए, बोले बस अब हम हार गए। ऐसी ऐसी हस्तियां यहां पर पैदा हुई, आगरा में रहते थे, बहुत सारे विद्यार्थी उनके संरक्षण में विद्यावारिधि की उपाधि जिसे PhD कहते हैं वो धारण करते थे। मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था, मां बच्चे को क्या पढ़ाए? अक्षर जान कराए। अब पढ़ाया जाता है अ से अनार, लेकिन मां क्या कहती थी, बेटे बोलो अ से अक्षर, अ से क्या है अक्षर, न क्षरती थी अक्षरा, जिसका कभी विनाश नहीं होता, अ से आदिमूल, ऐसी सत्ता जिसका कभी नाश नहीं होता वो आदिमूल है। क्यों जी आदिमूल है कि नहीं है? कल बताया था सब शक्ति विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल, और केवल आदि ही नहीं करता अंत भी करता है, इसे इति करता है, संसार को बना करके ही नहीं छोड़ देता, पालन करता हुआ उसका इति भी करता है। ऐसी सत्ता का नाम क्या है? तो मां कहती है बेटे आगे का अक्षर पढ़ ले, ई से ईश्वर। क्यों जी ऐसी सत्ता का नाम क्या है? ई से, मैं प्राइमरी जब पढ़ता था तो ई से ईश्वर पढ़ाया जाता था, लेकिन अब ई से ईक हो गया, क्योंकि ईश्वर को हम मानते हैं, सांप्रदायिक हो जाएगा। ऊ से उल्लू हो गया, और ग से मैंने पढ़ा था स्वयं गऊ, अब क्या पढ़ाया जाता है? सांप्रदायिक होने का डर है। बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। मां कहती थी कैसा है, बेटा कहता था ई से ईश्वर है कैसा, क्यों से उत्तम, समय अपनी गति से चल रहा है, तेजी से नहीं चल रहा। हमारे उपदेशक कह दिया करते समय बड़ा तेजी से, अच्छा बोलो अपनी गति से चल रहा है या तेजी से? हमारी गति में अंतर हो सकता है, उसकी गति में कोई अंतर नहीं है। मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था उत्तम है, कहां है कैसा है किस प्रकार की सत्ता है, कैसे उसे ऊपर यानी सर्वोपरि, ध्यान रखना
सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि, सर्वप्रथम आपके मुंबई में कोई विद्यार्थी यहाँ का टॉपर होता है, प्रथम श्रेणी में तो बहुत सारे पास हो सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम तो कितने होंगे जी? एक ही होगा ना, वो सर्वोपरि है, एक है। बोले कितने हैं? कि ऐसे एक। कैसा है? ऐश्वर्य संपन्न। क्या नाम है? ईश्वर नामी। ध्यान रखना, ईश्वर क्या है? नामी। नाम क्या है? ओसे ओम। आप जितने बैठे हुए हैं सब नामी हैं, और नाम के साथ में ही नामी को जाना जाता है। वह परमपिता परमात्मा एक है, ईश्वर है, उसका मुख्य और निज नाम ओम है। बेटा पूछता है, माँ कभी बीमार भी पड़ता है कि नहीं? बोले ना, वो तो सारे संसार की औषध है। औसे औषध, औषध ही नहीं, महेंद्र जी कह रहे हैं महौषध, क्योंकि माँ लगा है ज्ञान। माँ तो माँ की बात करेगा, क्यों जी? महेंद्र जी क्या कह रहे हैं? औषध ही नहीं, क्या है? महौषध। बोले कभी समाप्त भी होती है कि नहीं होती? बोले ना, अंग से अंतहीन, उसका कभी अंत ही नहीं होता। ऐसे स्वरूप को ईश्वर के को समझ करके बालक खिलखिला करके हंसता था और कहता था, आहा, आनंद आ गया। क्यों जी, आनंद आया कि नहीं? अरे मेरे प्यारे ईश्वर देव दयानंद के नाम में भी आनंद है। लोगों ने कहा, तुम स्त्री रखते हो और अपने को ब्रह्मचारी कहते हो? दयानंद कहते, मैंने संस्मरण पढ़ा था, बता रहा हूं संस्मरण के आधार पर। बोले हां, एक नहीं दो दो रखता हूं, फिर भी ब्रह्मचारी हूं। बोले दो दो स्त्रियां रखने के बाद भी ब्रह्मचारी है? बोले हां, तुम मेरी स्त्रियों के नाम नहीं जानते हो, इसलिए कह रहे हो। ये प्रश्न तुम्हारा इसलिए हो रहा है कि तुम नाम नहीं जानते। मेरी पहली स्त्री का नाम तो दया है और दूसरी स्त्री का नाम सरस्वती है। मैं तो केवल केवल आनंद हूं, क्योंकि परमपिता परमात्मा के आनंद से आनंदित हूं। वो परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। क्यों जी? एक व्यक्ति राम का नाम जप रहा था, एक दाढ़ी वाले पहुंच गए। बोले क्या जप रहे हो? कि राम नाम जप रहा हूं, हमारे राम मिश्र जी बैठे। मिश्र जी पर दृष्टि चली गई। मैंने कहा, मिश्र हो, मिले हुए हो, प्योरिटी लाने की आवश्यकता है। राम का नाम जप रहा था, दाढ़ी वाला आ गया, उसने कहा, अरे भाई क्या जप रहे हो? कि राम, कि राम का जमाना तो लाखों वर्ष पुराना हो गया। क्यों जी? लेकिन लाखों वर्ष पुराना होने के बाद भी राम नाम आते ऐसा लगता है मानो हृदय में। बोलो लगता है कि नहीं? कल का दिन प्रसन्नता था, प्रसन्नता का था कि नहीं? मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। इसने कहा, नहीं, रामकांत मां पर है। और अब मां से आरंभ होता है मोहम्मद का मोहम्मद जप। मोहम्मद मोहम्मद जपने लगा। अज्ञानी व्यक्ति था, जान के आंख के अंधे और गांठ के पूरे। जब वो मोहम्मद मोहम्मद जपने लगा तो हमारे मंत्री जी पहुंच गए और मंत्री जी कहने लगे, अरे भाई क्या जप रहा है? बोले मैं तो राम जप रहा था, एक दाढ़ी वाला है, उसने कहा राम का अंत मां पर है, मां से मोहम्मद आरंभ है, मोहम्मद जप, तब से मोहम्मद जप रहा हूं। बोले सुन, अगर इसी युक्ति को मानता है तो एक ऐसा नाम दे देता हूं, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। मोहम्मद का अंत दा पर है और दा से दयानंद है। अरे दयानंद को पकड़ लिया तो कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं। महर्षि प्रभुदेव दयानंद ने हमको ओम का संदेश दिया था, वेद के आधार पर ईश्वर का स्वरूप रखा था। बात क्योंकि समय पूरा हो गया, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विरमित करता हूं। आगामी चर्चा पुनः ओम शम। ओम ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। देखिए, वेद कथा को गणितीय भाषा में आपको आपका प्रबोधन किया, मार्गदर्शन किया। बंधुओं, आर्य समाज के व्यासपीठ से ज्ञानार्जन के दृष्टिकोण से और एक प्रबोधन के दृष्टिकोण से एक बड़ी स्वर्णिम
परवणी आप लोगों को उपलब्ध होती है। कल और परसों दो दिन हमारे पास में और है, प्रातःकाल सामवेद पारायण यज्ञ में पुण्यार्जन करने के लिए, आहुति देने के लिए सपरिवार आपको निमंत्रण, और सायंकाल इसी प्रकार भजनोपदेश और हमारे आचार्य जी का प्रबोधन, ये आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। शांति पाठ के पश्चात सत्रावसान, आप दूर दराज से यहाँ पर अपना मूल्य समय देकर पधारें। रविवार का आपके परिवार का मनोरंजन छोड़कर इस सत्संग में सम्मिलित होकर ज्ञानार्जन का पुण्य लिया, आर्य समाज मुंबई की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ के पश्चात सत्रावसान, ऊपर प्रसाद की व्यवस्था है, शांति के साथ में प्रसाद लेकर यहाँ से पधारें। ओम देव हो शांति, परीक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौ सदयः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म जगत गुरु महर्षि दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगी राज श्री कृष्ण चंद्र की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, सबको हमारा अभिवादन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धन्यवाद।